नमस्कार, आप देख रहे हैं टास्क न्यूज आशुतोष प्रसाद के साथ। जगदलपुर के बस्तर आर्ट गैलरी में नवजनरंग संस्था द्वारा नाटक क्रांतिवीर गुंडाधूर की प्रस्तुति दी गई। एमी रहीम द्वारा लिखित और जीएस मनमोहन द्वारा निर्देशित नाटक क्रांतिवीर गुंडाधूर को देखने बड़ी संख्या में लोग बस्तर आर्ट गैलरी पहुंचे और दर्शकों ने इस प्रस्तुति को खूब सराहा। बस्तर क्षेत्र में सन 1974 से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रमिक रूप से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता रहा। तत्कालीन शासकों द्वारा ऐसी वन नीति भी चलाई गई जिसके कारण आदिवासियों का उनके जंगलों पर स्वाभाविक अधिकार नहीं रहा। कड़े आबकारी नियम बनाकर उनके घरेलू मदिरा पर भी पाबंदी लगा दिया गया, जो उनके परंपरागत धार्मिक संस्कारों पर गहरी चोट थी। प्रवास नीति के कारण उन्हें अपने पुरखों की भूमि से जबरन बेदखल किया। बेगारी की समस्या, आदिवासियों की नैतिक शिक्षा का हास भी ऐसे कारण रहे जिसने भूमकाल विद्रोह को जन्म दिया। गुंडाधूर के नेतृत्व में लाल कालिंद्र सिंह के मार्गदर्शन में 6 फरवरी 1910 को सरकारी दफ्तरों को नष्ट कर भूमकाल विद्रोह की शुरुआत की गई। 7 फरवरी तक लगभग समस्त बस्तर में विद्रोहियों का अधिकार हो चुका था। भूमकाल विद्रोह में गुंडाधूर के एक मित्र के विश्वासघात के कारण अंग्रेज शासक गेयर ने लगभग सभी विद्रोहियों को गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन क्रांतिवीर गुंडाधूर और उसके कुछ साथी वहां से बच गए। क्रांतिवीर गुंडाधूर का यह भूमकाल विद्रोह आदिवासियों के सम्मान और उनके शौर्य की गाथा है। इस प्रस्तुति में बस्तर अंचल की जानी मानी संस्था रास परब के कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और यह नाट्य प्रस्तुति लोगों को खूब पसंद आई। इस प्रस्तुति में गुंडाधूर की भूमिका में प्रशांत दास थे और लाल कालिंद्र सिंह की भूमिका में निर्मल सिंह राजपूत थे। दीवान संतोष मोहंती को बनाया गया था और अंग्रेज अफसर की भूमिका में संजय झा थे। सोनू माझी की भूमिका मनीष श्रीवास्तव ने अदा की, इंस्पेक्टर जी संभव थे और सिपाही की भूमिका में राम बघेल के साथ पूर्णिमा सरोज ग्रामीण महिला थी। इसके साथ साथ सूत्रधार शिवनारायण पांडे थे, व्यापारी दुर्गेश नाग। इसके अलावा अन्य कलाकारों में रास परब के कलाकारों ने भूमिका निभाई। शहर की सांस्कृतिक संस्था अभियान के कलाकारों ने विश्व रंगमंच के अवसर पर नाटक राय द स्टोन की प्रस्तुति दी। यह मूल रूप से तेलुगु नाटक राय का हिंदी रूपांतरण रहा है। इस नाटक को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे थे। दर्शकों ने राय द स्टोन नाटक के सभी कलाकारों की प्रस्तुतियों को सराहा। विश्व रंगमंच दिवस के दिन आयोजित किया गया यह दोनों नाटक वरिष्ठ रंगकर्मी नाट्य निर्देशक स्वर्गीय सत्यजीत भट्टाचार्य को समर्पित था। कुछ दर्शकों ने अपने दिल की बात में यह बात भी रखी कि यदि ये दोनों नाटक एक ही स्थान पर होते तो दोनों नाटक देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता। ऐसे ही खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। नमस्कार।